करते थे। मध्य युग के लोहारों ने लोहे की तलवारों और तीरों का जवाब दिया लोहे की ढाल और लोहे के छल्लों को जोड़कर कपड़े बनाकर, जिसे चेन मेल कहा जाता था। इससे तलवार के धारदार हमले से बचाव तो हो जाता था, लेकिन जब तलवार घोंपी जाती थी तो कड़िया टूटने से ये बचाव नहीं कर पाता था। जब 14वीं सदी में बारूदी हथियारों से लड़ाई शुरू हुई तो कवच बनाने वालों ने प्लेट नुमा कवच से पूरा का पूरा सूट ही बना डाला। और 15वीं सदी के आते आते वो आज के जमाने के टैंकों के शुरुआती रूप की तरह नजर आने लगे, जिनमें कवच पूरे बदन को ढक लेता था और वो घोड़े की सवारी करते थे उस घोड़े को भी कवच पहनाया जाता था। इस तरह उनकी हिफाजत का इंतजाम तो पूरा था, पर इनमें दिक्कत हिलने डुलने और फुर्तीलेपन की थी। मध्य युग के इंजीनियरों को भी उसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिससे आज के इंजीनियर जूझते हैं। फौजियों की हिफाजत तो हो, पर उनके फुर्तीलेपन पर असर ना पड़े। सदियों से कवच बनाने वाले अलग अलग चीजों और डिजाइनों के साथ प्रयोग करते रहे हैं। फिर सन 1901 में एक कैथोलिक पादरी कैसिमर जेगलिन ने एक बहुत नए ढंग का उपाय सोचा। ये था पहला बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसे एक ऐसे प्राचीन फाइबर से बनाया गया था जो स्टील से भी मजबूत होता है। जी हाँ, रेशम। जेगलिन की जैकेट में घने बुने रेशम की करीब 3 सेंटीमीटर मोटी 4 शीट्स लगी थी। हर शीट में रेशम की कई आड़ी और खड़ी परतें लगाई जाती थी। जब कोई गोली इस जैकेट से टकराती है तो रेशम की पहली चादर उसके धक्के को सोख लेती है और उसे इतना धीमा कर देती है कि बाकी हिस्से गोली को बदन तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि एवरेज साइज की एक जैकेट का वजन था 10 किलो से भी कम। जेगलिन ने एक साथी को इसे पहनकर खड़े होने को कहा और सीने पर कई गोलियां नजदीक से चलाई। उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ।